Vivo Y15 कीबोर्ड फोटोज सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Vivo के जो कीबोर्ड है उसमें फ़ोटो ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे जाके आप फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, कैसे यह सेटिंग आप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको शो करके बताऊँगा कॉम्प्लीट प्रोसेस। Vivo का जो कीबोर्ड है वो सभी तरह का मोबाइल पे सेम ही होते हैं, ठीक है। Vivo जितने भी मोबाइल से उन पे एक ही तरह का कीबोर्ड आपको डिफ़ॉल्ट दिया जाते हैं, वो है जीबोर्ड। तो उसमें ही दोस्तों हम आज ये सेटिंग करने वाले हैं, कीबोर्ड में फ़ोटो एडिट करने वाले हैं। कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे साथ यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम ओपन कर लेते हैं अपना चैट को। तो न्यू चैट दोस्तों हमें यहाँ पर जाना है, कैसे भी करके कीबोर्ड को शो करवाना है, ठीक है। आपका कीबोर्ड जब आपको मिल जाएगा, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ सेटिंग मिल जाएगा। सेटिंग आप देख सकते हैं नीचे में। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थीम पर क्लिक करना है, ठीक है। थीम पर जाने के बाद यहाँ जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है रेड मार्क पे, आप देख सकते हैं, तो प्लस में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी फ़ोटो नहीं है अभी रिसेंट पे। तो हमें जाना होगा इमेजेस पर, ठीक है। इमेजेस पर जाते हैं। इमेजेस पर जाने के बाद दोस्तों, तो पिक्चर कहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना, फेसबुक पर जाते हैं। तो यहाँ जाने के बाद दोस्तों हम कुछ पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। तो ये बाइक का पिक्चर हम ले लेते हैं, ठीक है। आपको अपना फ़ोटो चाहिए सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो बाइक का पिक्चर सेलेक्ट किया, आप उस जगह में अपना पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इसको सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप इसका ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो फ़ोटो है वो कितना यहाँ पर दिखाई देना चाहिए कीबोर्ड में, उतना आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद डन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अप्लाई भी कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आइए बैक करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आप कीबोर्ड को देख लीजिए। मेरा जो कीबोर्ड है उसमें बाइक का पिक्चर आ चुका है और फ़ोटो यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि आपको नहीं चाहिए तो क्या करना है, सेटिंग पर जाइए, दोबारा से थीम पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो ये थीम है उसको यहाँ पर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, वरना आप बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो थीम है उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको उसका तरीका भी बता दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप थीम का फ़ोटो सेटिंग कीबोर्ड का फ़ोटो सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी Vivo के कीबोर्ड में। तो यह था दोस्तों कीबोर्ड फोटो सेटिंग। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो पर बस इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।